बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुअम स्टैंडर्ड टू। आज हम सीखेंगे आओ अदद बनाएं। टुडे वी आर लर्न कम लेट्स मेक नंबर्स। आओ अदद बनाएं। शाहिद और रजिया अदद बनाने का खेल खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे। नीचे दायरे में कुछ हिंदसे दिए हुए हैं, हर तालिबे इल्म उस दायरे से दो हिंदसे मुंतखिब करेगा और अदद बनाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये दायरा बना हुआ है और इसमें हिंदसे दिए हुए हैं। ये जो हिंदसे हैं और यहाँ तालिबिन जो है वो यहाँ से जो हिंदसे हैं उनकी मदद से अदद बनाएंगे। नीचे दायरे में कुछ हिंदसे दिए हुए हैं, हर तालिबे इल्म उस दायरे से दो हिंदसे मुंतखिब करेगा और अदद बनाएगा। तैयार? हम भी तैयार हैं। तो खेल शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, हम भी चलिए। मेरे पास दो हिंदसे हैं, एक हिंदसा और तीन। दो हिंदसे एक और तीन है और मैं इन हिंदसों से दो अदद बनाऊंगा। वो अदद होंगे 13 और दूसरा अदद है 31। मेरे पास 7 और 8 ये हिंदसा है, मैं अदद बनाऊंगा। अठहत्तर दूसरा अदद बनाऊंगा, 88। 7 और 8 इन हिंदसों से मैंने बनाया दो अदद, 78 और 88। मेरे पास हिंदसा है 5 और 7 और
इन हिंदी से उसे बनने वाले अदद जो है वो दो हिंदी सी अदद, एक है 57, दूसरा है 75। मेरे पास हिंदी सा है 4 और 9, इनसे बनने वाले दो हिंदी सी अदद 49 और 94। मेरे पास हिंदी सा है 8 और 3, इनसे बनने वाले दो हिंदी सी अदद 83 और 38। मेरे पास हिंदी सा है 4 और 9, इनसे बनने वाले दो हिंदी सी अदद 49 और 94। मेरे पास हिंदी सा है 2 और 9, इनसे बनने वाले दो हिंदी सी अदद है 29 और 92। मेरे पास हिंदी सा है 3 और 9, इनसे बनने वाले दो हिंदी सी अदद 39 और 93। कम लेट्स मेक नंबर्स। रामा एंड यश आर प्लेइंग द गेम ऑफ मेकिंग नंबर्स। लेट्स जॉइन देम। Rama and Yash are playing the game of making numbers. Let's join them. Some numbers are given in circles. Each child should choose 2 digits and make 2 numbers. Some numbers are given in circles. Each child should choose 2 digits and make 2 numbers. I have 2 digits, 1 and 3. I can make 2 numbers from that. These numbers are 13 and 31. I have 2 digits, 7 and 8, and I make 2 numbers from that, and these numbers are 78 and 87. I have 2 digits, 7 and 5.
I can make two numbers from that. These are 75 and 57. I have two digits, 6 and 4. I can make two numbers from that. These numbers are 64 and 46. I have two digits, 3 and 8. I can make two numbers from that. Numbers are 38, 83. I have two digits, 6 and 4. I can make two numbers from that. Numbers are 64 and 46. I have two digits, 4 and 2. I can make two numbers from that. These numbers are 42 and 24. I have two digits, 6 and 4. I can make two numbers from that. Numbers are 64, 46. दिए हुए हिंदसों की मदद से सबसे बड़ा और सबसे छोटा दो हिंदसी अदद तैयार करना। पंखड़ियों पर बनाए हुए दो मुख्तलिफ हिंदसों से ज्यादा से ज्यादा बनने वाले दो हिंदसी अदद बनाओ और उनमें से सबसे बड़ा और छोटा अदद लिखो। इन पंखड़ियों पर जो हिंदसे दिए गए हैं 4, 7 और इन दो हिंदसों से बनने वाले जो दो हिंदसी अदद है वो है 74 और 47। 47 और 74, इनमें से जो बड़ा अदद है वो बताना है और छोटा अदद है वो भी बताना है। तो सबसे छोटा अदद जो है वो 47 है और सबसे बड़ा अदद जो है वो 74 है। इन फूल की पंखड़ियों पर जो हिंदी से दिए गए हैं वो है 5 और 8। इनसे बनने वाले दो हिंदी अदद हैं 58 और 85। 58 और 85, 85 और 58। इनमें सबसे छोटा अदद है 58 और सबसे बड़ा अदद है 85। पंखड़ियों पर जो हिंदसे हैं, हिंदसा 5, 2, 8, 5, 2, 8, ये एक एक हिंदसे हैं। हम इनसे दो हिंदसे अदद बनाएंगे, दो हिंदसी अदद। ज्यादा से ज्यादा इन तीन हिंदसों को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा दो हिंदसी अदद बनाएंगे और
इनसे बनने वाली आदत है। तेईस, अट्ठाईस, बत्तीस, छत्तीस, अड़तीस और बयासी। और सबसे छोटा अदद है तेईस, इनमें सबसे बड़ा अदद है तिरासी। फूल की पंखड़ियों पर जो हिंदसा है, पांच, सिफर, नौ। और इनसे बनने वाले दो हिंदसी अदद हैं पचास, उनसठ, नब्बे और पचानवे। और इनमें सबसे छोटा अदद है पचास और सबसे बड़ा अदद है पचानवे। हम नौ और पांच को सिफर पांच या सिफर नौ इस तरह नहीं लिखते। नौ और पांच को सिफर पांच और सिफर नौ इस तरह नहीं लिखते, उन्हें नौ या पांच इस तरह ही लिखते हैं। वो एक हिंदसी अदद है। तो प्यारे बच्चों, हमको जब भी पांच लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, नौ लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पांच और नौ जो है वो एक हिंदसी अदद है। गौर करें, एक ही हिंदसा बार बार इस्तेमाल करते हुए कितने दो हिंदसी अदद बनाए जा सकते हैं। To make the smallest and biggest two-digit numbers using the given digits, take two different numbers from the petals and use them to make as many two-digit numbers as possible. Now write down the smallest and the greatest of the numbers you have made. The numbers on petals are 4 and 7. The numbers made from these are 47 and 74. Of these, 74 is greatest number and 47 is smallest number. Next, the numbers on the petals are 5 and 8. The numbers from these are 58 and 85. Of 85 is greatest number and 58 is smallest number. Next, the numbers on petals are 3, 2, 8. The numbers made from these are 23, 28, 32, 38, 83, 82. Of all these,
ग्रेटेस्ट नंबर इज 83, स्मॉलेस्ट नंबर इज 23. The petals on the numbers are 5, 0, 9. The numbers from where these are 50, 59, 90, 95. And the greatest number is 95 and smallest number is 50. We do not write the numbers like 5 and 9 as 05 or 09. We write 5 or 9. They are single digit numbers. Think, how many 2-digit numbers can we make using the same digit repeatedly? प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है. समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा. इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है. और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म. गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है. और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है. तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए. और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश कीजिए. तो है ना मज़ेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट. और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए, तो वो वीडियो लाइक कीजिए. और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके. और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको जहन नशीन कर लीजिए. और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए. और हम मिलते हैं अगले सेशन में.